को देखे थे स्टे चंपागढ़ की ओर से, आज कहीं ना कहीं एक स्टार प्लेयर मंडी को सिलेक्शन किया इस टीम में, तो काफी उम्मीद हो गई है दो तीन खिलाड़ी से। अजय को देख पा रहे हम तो काफी उम्मीद। बनता हुआ और अपने बेहतर तकनीक से यहां पर गेंद पोजीशन को अपने टीम हिट में दोनों टीम्स ने काफी समय तक रखने का प्रयास किया है। और इसी बीच यहां पर पांच नंबर मुंसा ने पास बढ़ा दिया वहां पर अजय हेमरम के लिए। अजय वहां पर बेक पास खेलने के बाद रन बनाते मीच पर की खाने खाने बना होगा तो चुप करना एकदम विलंब बंद जरूर करना। नवा मैच पूछे तो लगभग 10 मिनट लहार है। अब हम प्लेयर्स को रेडी करते हैं, अब हम तैयार बन रहे बॉल दौड़ने से प्रमुख ना वहा बॉल दो हाफ प्ले पे बाहर चला उखरा उन्होंने कोई मिनट थोड़ी कुछ था बॉल खा गया। यहां पर हमारे स्टीफन के लिए यहां पर थोड़ा सा खींचने का प्रयास किया गया था बाबूलाल हसदा को और यही कारण है कि वहां पर एक फ्री किक को जीत लिया है इस बार चाय चंपागढ़ की टीम ने। और ये एक सुंदर सा सेट पीस होगा मार्शल, अगर यहां से बारीकी से इस बॉल को शॉट लिया गया तो यहां से गोल आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस सेट पीस के माध्यम से। जी सुशील भाई ये मौका जो बना है इब्राहिम डेंजर एंगल से बन गया है, यहां से डायरेक्ट हिट करके भी गोल आ सकता है और यहां से अगर सही रणनीति को अपनाया जाए गेंद को बढ़ाने के लिए पास लेकर के भी गोल किया जा सकता है। लेकिन इस अवस्था में शॉट करने के लिए मैं देख पा रहा हूं यहां से अब शायद मंगल और लखीराम है, लखीराम हसदा है 14 नंबर में शॉट के लिए तैयार हो गया है। ये शॉट वॉल में दिक्कत होकर वापसी हुआ है पीछे को देखो बोरे हाल ना बोले तो देखो तुम्हारा दो चांस खुजा में कना मारी दी टीम बना टीम खोई गई बाबू जेल को मौज मौज खिलाड़ी बना हुआ मारी दी टीम बात ही चय चंपा गा टीम कलार का खिलाड़ी कौन चय चंपा गा टीम से खोए पादत ही नवा टीम फोन एम जल लिखाई मंडी और अजय नवा टीम की जुड़ा करना होला का दो क्वार्टर राउंड रे मैच खोंगी जुड़ाव कर नवा टीम रे तो मारी दी टीम से खोल मारी दी टीम से खाली चेंज होंगे सर खिलाड़ी को चेंज किया जाएगा। 15 नंबर जर्सी मैदान से बाहर होंगे होडिंग हसदा और उसके जगह में एक फ्रेश खिलाड़ी को इस बार एक फ्रेश लेग ग्राउंड में खेलने के लाएंगे मुंशी 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी तो मुंशी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी अपना टीम के लिए। तो यहां से सुशील दा एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया गया है इस फर्स्ट हाफ का भी है मुंशी हालांकि वो बेंच पे थे लेकिन बेंच से ग्राउंड पर उतरने का एक ही इरादा हो क्योंकि यहां पर मुंशी जैसे प्लेयर्स अगर ग्राउंड पर आ जाते हैं तो मुंशी को फर्स्ट हाफ में ही बेंच से इनको ग्राउंड पर उतारा गया है। हालांकि मुंशी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है कई ग्राउंड पर इनके कैप्टन जीते हुए और ये भी गोल टेकिंग प्लेयर्स है मार्शल मुंशी जो कि कई ग्राउंड पर हमने इनके द्वारा इनके जो उसके सदस्य होंगे चर्चा क्या होगा कि अब यहाँ पर एक तरह को चेंज करके मुंशी को जगह दिया जाए क्योंकि फर्स्ट हाफ का मुकाबला है और यहाँ से जो इनके ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास को लिए इसको ग्राउंड पर करा गया है। अच्छा बोल रहा हूँ बेटा का बोल बेटा बोल माँ बोलते तो बना टीम रहा खिलर की रोड पर दी टीम दो कौन हुआ दखी नखा कोई और उतो नखा कोई रोड पति का अनुकूल हूँ एफ सी चाहे चंपा का टीम बना टीम पर गिर हुआ अभी चाहे तगड़ा मुकाबला चला करना गोल रहित मैच बराबर खिलर रोड कोई फिर से जोसेफ लगी बॉल मिला जोसेफ रोड कोई लास्ट गति क्या रहे मैच इंडायरेक्ट फिकी को जमा चाहे चंपा गार
बाबू लगे बॉल हजुआ नतनी जोसफ उन बॉल थकी गया से मुंशी रुक खड़िया चर्चा का था मैच रे बाबू ला रुका जा कुरुम थीदा कदी नपा पास को मंडी लगी मंडी तक फिसन देखो मंगल आ रो देखो बॉल निकला की बगुला लगे मौका बिना देखो पहली बॉल गया उंडे खोई सुशील दा जल में उड़े उन रंगाओ बांग सब खते बोल हल्का मचा उड़े लगा लगाए दे जल ना देखो मंगल हो लाल का दे गया साफ सुन देते उंडे खोई तो सारे हम लक्षी दम हो बाबूलाल अगर ना बॉल ग्राउंडेड पास से कटी लिखा उंडे खोई फिनिशिंग क्षेत्र आसपास रहे समांतर दिशा से उंडे खोई उंडे मौका की नियम दरियां क्या उंडे तो ऑफ साइड रे फसाना प्लेयर्स यहां जो ऑफ रहे कहते ऑफ रहता है कहते कौन रहे है ना আর মানে বল উতাল গিয়ে খুব উঠো কিনা বলতে ইন্টারফিয়ার কিনা না বারিকিতে যে দেখেন ভাইয়া ওনে কই সামসারি যা তো এ আটুরে বানায়া বড় নপা জজমেন্ট নপা ডিসিশন বেনকা উনে বল পোস্ট কই কাফি ভারে উনে পারম না আর বিতে গোল কিক লাগি মৌকা কই জামা ওনে কই না চাই চম্পা গাল দিয়া বাদ না গাতি লাগি আবেন বানাতি মেন ম্যানেজার হম বারবার বেন অগত চুক না तेनाम खन बेन सुचित चुक ना आले गिला नी आले निया गिला सो अपन बनाती बड़े मैनेजर छे जेमन नुकिना गाती मुचो दो लगभग 10 मिनट लहारे अपन प्लेयर्स को रेडी करते अपन लगा बे तैयार बन धो तक हम सेमीफाइनल मैच कर लेना ताकि अपन से कोई विलंब मांग भी और अपन सेमीफाइनल के ना महत्वपूर्ण मैच काटे लगे पर्याप्त समय बन जाम दरिया ये ले आसुआ अपन बनाती बड़े मैनेजर छे और लगातार गोल हदावना फिराक रे बिना किना बंद है नहीं थी उनका नाम महत्वपूर्ण गोल हनवा सेमीफाइनल रे भाग गया लखना युवा ग्रुप से कोई जहां दनवा टूर्नामेंट ना प्राइज मनी करना पहला प्राइज दो 7000 दूसरा प्राइज दो 50000 और नवा सेमीफाइनल लिखना महत्वपूर्ण मैच रे जहां दा टीम लेकिन हरवा तोड़ी दो मात्र 10000 का जमा सेमीफाइनल ना कंसोलेशन प्राइज ये भी छोड़े कोई मुंशी छुडू नासीना उड़े कोई कटबे कोंडे गति किदा 5 नंबर उड़े कोई दीवान बॉल सोगे सही संपर्क बांग बना लेना और नियर कराउंट है उन्हें कोई नहा दुहारी के भरी का गया उन्हें कोई दीवान दीवान हमरा नासीना उन्हें कोई आर्मी दम एक पास 8 नंबर लगी क्रॉस जीवा गन का थोड़ा गन बोल है ना उन्हें बोल थोड़ा गन तय मचा रहे चला बन का निसी लुटते उन्हें कोई वकील हफ्ता लिखन प्लेयर थोड़ा बोले जाम दरिया किया गाती बना से कोई नहीं तो वही वही थे कपी सिद्धि करना नहीं तो कि ना बेहतर दिख करना आर्बिट्रे अट्टी तकनीक सले पता थी मुआ मैच की गति का ना और नोडे कोई बीटे रो फिजिकल चैलेंज टाइम से कोई उड़ी तुकुई पिछा की जा बोल हटाओ क्रम रे और नोडे कोई हाँ बीटे फ्री किक लगी अवसर को जामा ये बीच रे उन्हें कोई आर्मी थम बाहुलाल बाहुलाल आरिंग सपोर्टिंग उन्हें का तीन प्रयास तय करते हैं बैंकन बॉल नहान ये तो मुंसा मंडी लगी का तीन ने क्रम रे उन्हें कोई मनी खजदा मनी टुडू हाल का मचा उन्हें लॉकेट सोने लगा उन्हें आरिंग सपोर्टिंग लगी बैंकन ये साल सुने थे कि उनके नाम पहल हाथ दरों मचा दो करना चाई चंपागार की टीम दोनों टीम्स का स्कोर लेवल पिछले हाफ में शून्य शून्य की बराबरी पर और ये रहा मैच रिस्टार्ट
होने का विसिल और इसी के साथ यहां पर मैच रिस्टार्ट होता हुआ फिलिमोन मुर्मू के नेतृत्व में जो हमारे मुख्य रेफरी हैं मैच रेफरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील बाबू, आपका बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही बेहतर ढंग से बहुत ही सुचारू ढंग से मैच के हर गतिविधि को यहाँ तमाम दर्शक दीर्घाओं के बीच में रखा है, इसलिए मैं दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई मार्शल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पहले दिन कहीं कहा कि दोनों ही टीम में बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है, अपने इस प्ले नाइन में रखा गया है, पर तो देखना होगा कि वो कौन सा खिलाड़ी होता है। डिफेंस जोन को आज मजबूत किया गया है और यहाँ रब से द्वारा, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। कल के दिन हम बाबूलाल को देखे थे स्टे चंपागढ़ की ओर से, आज कहीं ना कहीं एक स्टार प्लेयर मंडी को सिलेक्शन किया इस टीम में, तो काफी उम्मीद होगा ये दो तीन खिलाड़ी से। अजय को देख पा रहे हम तो काफी उम्मीद होगा, यहाँ साइलेंट क्या इस बार, एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, इन पर काफी दारोमदार होती है टीम के टीम मैनेजर को टीम के कैप्टन को, और उसी को देखते हुए आज कहीं ना कहीं चल चंपागढ़ के टीम मैनेजर इस खिलाड़ी को इस शहरी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर अपने टीम में शामिल किए हैं, तो उम्मीद होगा। लेकिन वहीं अगर कहा जाए तो टीम की तरफ से कई होनहार खेलों का भ्रमण हुआ है, जिस तरीके से आप यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, इनको पता था कि जो यहाँ मारे की टीम ये एक सशक्त टीम है, तो ये सारा चीज को देखते हुए अपना टीम से दो फ्रेश खिलाड़ियों को ऐड किया गया है, यहाँ से अजय और मंडी दोनों ही बड़ा ही तगड़ा खिलाड़ी, अच्छा टूर्नामेंट में इसका अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, और यही वजह है जो कि अभी तक यहाँ से मारिड टीम को अभी तक रोक करके रखा है जय चंपागा टीम। दोनों टीम्स का डिफेंस लाइन को देखिए कितना बेहतर वो कर रहे हैं, और दोनों टीमों के गोलकीपर हमेशा वो अपना प्रयास करें ताकि जो बाकी खिलाड़ी हैं इस ग्राउंड में जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं अभी कोशिश करें, या खेल के जगत में जो अभी इन दिनों जितने भी हमारे खिलाड़ीगण हैं आप एक अच्छे खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, विख्यात खिलाड़ी हैं, बस मैं आपसे भी शून्य गोल बांग हुई ला बना टीम कौन की नुकीरा मैच लिया का परिणाम तो मुझे लगता है बेहतर मध्यम थे सांस लेते हैं उका तो नहीं बाद रहे क्यों लगी रखो ये मिलता इन पंद्रह टिकन यहाँ तब आते जरूर पसंद बीट टैंगर फंसा उलन खान थोड़ी बरांग अरे बरांग लाभ भी हुआ तो पहला सौ लगी नोने कोई मारे टीम से कोई टीम कैप्टन रम से मुर्मू हाँ रम से अमिते अरी नफाई अपोनेंट टीम हार नियम हो गोल ला हार उन्हें कोई देवी चांद उन्हें बोल रहे हैं जिसका नेम लगी है जिसका ना बाबूलाल बारह नंबर है और यह हो गोल ला ये तो तीसरा शॉट लगे मनी दो नंबर का तो डिफेंस लाइन खिलाड़ी के और यह हो कोना नंबर रे अजय हेमराम मुय अधिक सुपर गति है मेनकान तेही तीसरा खान शॉट लगे
और देखो जे आज सौर मुझे ब्लॉक का थे मुंशी टुडू और नवा हॉडी नपाई गोल ना लेगा यहां से रिंकू दा दोनों टीमों के गोलकीपर के बीच में ये तगड़ा टक्कर चाहेगा। और फिलहाल मार्शल यहां पर स्टेफन तो थोड़ा सा आगे है एक कीपर से, परंतु देखना होगा यहां दो कीपर का सामना हो चुका है, सामने ही स्टेफन और देवीचंद शॉट लेने के लिए तैयार। और बहुत ही सुंदर गोल और इस बार शायद कालिदास को भेजा जा रहा है चार नंबर ये मारड़ी के ओर से। और यहां से की है एक कदम दूर है फाइनल का सफर तय करने में, देखना होगा। और इसी के साथ ये टीम पहुंच गई फाइनल में, बेहतर प्रदर्शन दोनों टीम ने दिखाया मगर जीत यहां पर मारड़ी को मिल गया है। और ये टीम मुकाबला ये दोनों टीम में से किसकी किसके साथ होता है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ से चंपागढ़ की टीम को भी, उन्होंने बेहतर खेल दिखाया, बेहतर प्रदर्शन दिखाया, परंतु खेल के दरमियान कोई गोल नहीं होने के कारण ट्राई मेकर तक नतीजा पहुंची आउट।